नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा प्रताप नारायण मिश्र के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इनका पूरा नाम पंडित प्रताप नारायण मिश्र, जन्म इनका हुआ था 24 सितंबर 1856, जन्मभूमि उन्नाव, उत्तर प्रदेश। मृत्यु इनकी हुई थी 6 जुलाई 1894। अभिभावक इनके थे पंडित संकटादीन। इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत काम किया है, इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, जैसे कि हिंदी, उर्दू, बंगाली, फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत। ये जो है बहुत अच्छे लेखक, कवि, पत्रकार थे, निबंधकार और नाटककार थे। इन्होंने जो भारतेंदु हरीश चंद से संबंधित काफी लेख लिखे हुए हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको इनकी जीवन परिचय के बारे में बता देता हूं। जन्म 24 सितंबर 1856, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, और मृत्यु हुई थी 6 जुलाई 1894 को हुई थी इनकी मृत्यु। आधुनिक हिंदी निर्माताओं में से एक माना जाता है प्रताप नारायण मिश्र को। वे हिंदी खड़ी बोली और भारतेंदु युग के उन्नायक कहे जाते हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने एक लेखक, कवि और पत्रकार के रूप में विशेष प्रसिद्धि पाई थी। मिश्र जी की भारतेंदु हरिश्चंद्र में अनन्य श्रद्धा थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र में बहुत श्रद्धा थी। वो स्वयं को उनका शिष्य कहते थे तथा देवता के समान उनका स्मरण किया करते थे। भारतेंदु जैसे रचना शैली, विषय वस्तु और भाषागत विशेषताओं के कारण ही प्रताप नारायण मिश्र को प्रति भारतेंदु या द्वितीय चंद्र आदि कहा जाने लगा। मिश्र जी द्वारा लिखे हुए निबंध के विषय में विषय की पर्याप्त विविधता है। देश प्रेम, समाज सुधार एवं साधारण मनोरंजन आदि उनके निबंध के मुख्य विषय थे। उन्होंने ब्राह्मण नामक मासिक पत्रिका में हर प्रकार के हर विषयों पर निबंध लिखे थे। अब मैं थोड़ा सा विस्तार में इनके जन्म के बारे में बताऊंगा। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 24 सितंबर 1856 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में वैजे गांव में हुआ था। ये कात्यायन गोत्रीय और कान्य कुब्ज ब्राह्मण पंडित संकटादीन के पुत्र थे। पिता युवावस्था में ही कानपुर में आकर बस गए थे और एक ज्योतिषी के रूप में अपनी जीविका चलाते थे। मिश्र जी अपने पिता से ज्योतिषी पढ़ने लगे, किंतु उधर रुचि न होने से पिता ने उन्हें अंग्रेजी पाठशाला में भर्ती करा दिया। तब से कई स्कूल का चक्कर लगाने पर भी वह इस पिता की लालसा के विपरीत पढ़ाई लिखाई से विरक्त ही रहे और पिता की मृत्यु के पश्चात 18 से 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने स्कूली शिक्षा से अपना पिंड छुड़ा लिया। इस प्रकार मिश्र जी की शिक्षा अधूरी रह गई, किंतु उन्होंने प्रतिभा और स्वाध्याय के बल से अपनी योग्यता पर्याप्त बढ़ा ली। वे हिंदी, उर्दू और बंगाली तो बहुत अच्छे से जानते थे। इसके साथ ही वे फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत बहुत अच्छे से जानते थे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी